इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। देश को कैसे बचाया जाए, यह सवाल है आज का। वैसे तो कोरोना के दौर में यह सवाल अजीब लगेगा, पर यह सच्चाई है कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसे हम सबको मिलकर बचाना है। वजीर आजम नए नए गेटअप में आते जाते रहते हैं, कई बार मन की बात, कई बार देश के नाम पैगाम लेकर आते। इतना जरूर है कि अब तक सिर्फ बातों के इस देश के अवाम को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आजकल मोर के साथ वजीर आजम की तस्वीरें काफी वायरल हो रही। असल में भाजपा का IT सेल इसी काम के लिए बैठा है। अब तो फेसबुक भी साहब की चापलूसी में लगा हुआ और अपने खिदमात भी अंजाम दे रहा है। जमहूरियत का चौथा सुतून कहलवाने वाली मीडिया को पहली मर्तबा गोदी मीडिया का लकब हासिल हुआ है। हर बात को कैसे हिंदू मुस्लिम तक ले जाने का हुनर इसी गोदी मीडिया की तरफ है। तभी तो लाखों से करोड़ों रुपए की माया तक का सफर इसी चाटुकारिता के जरिए हासिल किया जा रहा है। किसी तरह से मुस्लिम समाज को अछूता बनाकर हिंदुत्व का प्रोपोगंडा कर धर्मनिरपेक्ष मुल्क को कैसे मजहब की बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र कायम किया जाए, इस पर मरकजी हुकूमत ज्यादा तवज्जो दे रही। मुस्लिम समाज को निशाना बनाने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। बार बार कहा जाता है कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है, पर इस सेक्युलर लफ्ज को ही मिटाने की साजिश जारी है। लिहाजा जिम्मेदारी नाम निहाद उन सेक्युलर लीडरों पर आती है जिन्होंने सेक्युलर पार्टियों का दामन थाम कर मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल किया। अब अगर देखा जाए तो मुस्लिम माशरा एक मजलूम कौम बन चुकी है। भाजपा प्रखर हिंदुत्ववाद को ही राष्ट्रवाद का लिबादा उठाकर अवाम को गुमराह कर रही है, ऐसा भी कई इल्मी दानिशवरों का कहना है। वैसे तो पहले से हिंदुत्ववादी तंजीमों का काम खुफिया तौर से जारी था और कई सियासी पार्टियों की हिमायत भी इन्हें खुलकर ना सही पर खामोश हिमायत तो हासिल ही थी, पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी बतौर विपक्ष कमजोर होने लगी और आज कांग्रेस की सदारत पर ही इख्तलाफात मंजरे आम पर आ चुके हैं, तो सवाल सिर्फ मुस्लिम माशरे के सामने खड़ा है कि आखिर यह माशरा किस दिशा में जाए। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोई लीडर नहीं। आजादी के बाद और बंटवारे के बाद जो मुसलमान भारत में रहे, इन्हें यह बताया गया कि अब सेक्युलरिज्म ही इसका दस्तूर है और तुम्हें अपनी अलग पहचान बनाने की कोई जरूरत नहीं। और मौलाना आजाद से लेकर आज के जितने भी मुल्ला मौलवी हैं जो सिर्फ कबर हाशर की बात, जमीन के नीचे आसमान के ऊपर की बात करते हैं, इन्होंने यही बताया और इंतखाबात के वक्त कांग्रेस पार्टी को वोट देने के ऐलानात कहे और इस पर ही अमल करते रहे। पर आज जब खुद कांग्रेस की हालत टाइटैनिक जहाज जैसे बनती दिखाई दे रही है, यहां तक कि कांग्रेस के बड़े कायद भी अब भाजपा की गोद में महफूज पनागा समझ रहे हैं, तो सवाल यही उठता है कि अब मुस्लिम माशरे का क्या? आजादी के बाद से मुस्लिम माशरे ने कभी अपना सियासी कायद तराशने की कोशिश की ही नहीं और ना किसी अपनी पार्टी का दामन थामा, मुख्तलिफ पार्टियों में जाकर और सेक्युलर लफ्ज के साथ मुसलमानों ने इंसाफ किया। पर वक्त गुजरता गया और राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मसले ने पूरे मुल्क की सियासत को ही मजहबी तासुब में भिगो दिया। सैकड़ों फसादात की तारीख रही, पर पहले कभी तो उम्मीद हुआ करती थी, कुछ ना सही अदालत पर उम्मीद हुआ करती थी, इंतजामिया में कई सेक्युलर धर्म निरपेक्ष अफसर हुआ करते थे, आज भी हैं, पर हुकूमत के फैसलों के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं हो रही। इसकी मिसाल योगी सरकार में देखी जा रही है। वजीर आला रहकर बेझिझक मुस्लिम समाज के खिलाफ बोले जाता है और कोई इसकी मुखालिफत की हिम्मत नहीं रखता। कुछ रिहाई मंच जैसी छोटी मोटी तंजीमें इसकी मजम्मत करते हैं, पर अक्सर माशरा खामोश है और इसी खामोशी ने मुल्क की छवि को दागदार कर दिया। पर मौजूदा मरकजी हुकूमत के अक्सर लीडरों ने मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं, मंदिर वही बनाएंगे के नारे लगाए गए, आवाम को भी शायद मजहबी तासुब अच्छा लगने लगा है और दूसरी बार कसीर तादाद में मोदी हुकूमत को इख्तदार पसीर किया। सभी जानते हैं कि मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। दिल्ली फसाद में अहम किरदार निभाने वाले भाजपा के कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के मर्तबे और बढ़ गए, पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और ताहिर हुसैन पर तमाम फसाद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। मुस्लिम नौजवानों की लाशों को नालों से निकाला गया और कई आज भी लापता है। बेंगलोर फसाद भी वही है कि इसके पीछे भी सियासत की बात कही जा रही है, तो RSS का हाथ होने की भी बात कही जा रही है। कोरोना में भी हिंदू मुस्लिम करने की मुनज्जम साजिश की गई और तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैलने का इल्जाम भी लगाया गया।
कोरोना जिहाद जैसे प्रोग्राम टीवी पर चलाए गए, महीनों मरकज पर बहस का तमाशा किया गया, यहाँ भी मुस्लिम माशरे को अछूता बनाने का एजेंडा चलाया गया। संघी फिरका परस सोच फिक्र के लोग चाहते हैं कि देश में अराजकता का माहौल रहे, ताकि आवाम असल मुद्दों से हिंदू मुस्लिम पर ही अपनी तवज्जो दे। आज जब कोरोना की वजह से देश में भुखमरी के हालात पैदा हुए हैं, तब देश को एक होकर किसी तरह इसकी जो असल रूह है इत्तेहाद, इसे फिर से जिंदा किया जाए। मजहबी तशद्दुद में मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। बड़े अफसोस का मकाम है कि मुल्क में चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तरक्की हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद पर ही हो सकती है। मेरी गुजारिश है दलित ओबीसी भाइयों से कि हम सब देश के मूल निवासी हैं। धर्म की आड़ में इख्तदार का मजा सिर्फ मुट्ठी भर लोग ले रहे। फसाद में कोई और मरता है, उसकी लाशों पर चुनाव जीते जाते हैं। फसाद में दलित ओबीसी मारे जाते हैं तो फायदा सवर्ण लेते हैं। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजकर धर्म विशेष से नफरत का जहर घोलकर गरीबों दलितों पिछड़ों के बच्चों को फसाद में मरने के लिए या जेल में सड़ने के लिए उतारा जाता है। ऐसा ना समझे कि किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने से दलित पिछड़े ओबीसी छूट जाएंगे। संघी मानसिकता देश के आईन संविधान को ही नहीं मानती, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना सिर्फ लिखा बल्कि हर धर्म को उसका हक दिया। पर कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले भी संघी सोच विचारधारा के साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। एक बार फिर हम सबको, खासकर दलित ओबीसी पिछड़े तबकों को लोकतंत्र को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और इतनी जाति धर्म जबाने तहजीब एक साथ मिलकर खुशी से रहती हूँ, जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों असलाफों ने देखा है। यह देश संविधान पर ही चल सकता है और इस संविधान आइन को बचाने के लिए सबको फिरका परस्ती के खिलाफ जंग लड़नी होगी। यह बिल्कुल न समझे कि धर्म विशेष निशाने पर है। अहमद फराज का यह शेर बहुत कुछ कहता है। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान न होना, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की न होगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।